राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज के टूटी चौक पर वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु जी के भित्ति चित्र और क्षत्रिय सम्राट महाराज अनंगपाल तोमर जी के एलईडी बोर्ड का आम आदमी पार्टी के करोलबाग विधायक विशेष रवि ने भव्य उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में पूर्व निगम प्रत्याशी अमरनाथ राजपूत, पहाड़गंज वार्ड 82 अध्यक्ष मोनिका मेहता के साथ पार्टी के कार्यकर्ता और मार्केट के लोग मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु जी के भित्ति चित्र और क्षत्रिय सम्राट महाराज अनंगपाल तोमर जी के एलईडी बोर्ड को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने कहा कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इन महापुरुषों ने देश के लिए किस तरह से कुर्बानी दी है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से ही वीर शहीदों की तरह कार्य कर रहे हैं। उनका मकसद देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को अंग्रेजों से मुक्त तो करवा लिया, लेकिन आज हमारे देश को कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी नेता दीपक की तरह खा रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दो चीजों का जो है उद्घाटन हुआ है आज। एक तो जो दिल्ली के पहले शासक रहे अनंगपाल तोमर महाराज जी, उनका एलईडी बोर्ड लगाया गया, और दूसरा साथ में यहाँ पर हमारे जो तीन वीर सपूत क्रांतिकारी हमारे देश के नौजवान भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, उनका जो है भित्ति चित्र यहाँ लगाया गया है, उसके उद्घाटन पे हम इकट्ठा हुए हैं। और ये स्थान जो है छेड़ू चौक जो है ये प्रेरणा स्थल के नाम से जो है जाना जाएगा आज के बाद, क्योंकि यहाँ पर दो दो बड़े बड़े जो है, दो नहीं बल्कि चार महापुरुष एक साथ जो है विराजमान यहाँ पर हैं चित्र के माध्यम से, और पहाड़गंज के लोग जो है निकलते बढ़ते उनको नमन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। ईडी तो सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो चाहते नहीं दिल्ली में काम हो, वो चाहते हैं कि दिल्ली के सारे काम ठप हो जाएं, दिल्ली में जो है जनता परेशान रहे, क्योंकि दिल्ली के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, इसलिए वो परेशान हैं, दुखी हैं, और इसलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम वो रोकते रहते हैं। लेकिन जैसा जैसा सीएम साहब ने कहा है कि वो चाहे जितने मर्जी काम रोक लें, हमारे जितना हमारे तंग कर लें, लेकिन दिल्ली के और दिल्ली के लोग ये काम रुकने वाले नहीं है। अभी कल ही दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की महिलाओं को जो है एक बहुत बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में रहने वाली हर महिला जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उसको हर महीने जो है 1000 रुपये की सहायता जो है उसके अकाउंट में जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को कितना फायदा होगा इस योजना से? ये बहुत बड़ा फायदा होगा, महिलाएँ जो है इंडिपेंडेंट होंगी, आत्मनिर्भर होगी, उनको छोटे मोटे कामों के लिए वह अपने पति से, अपने बच्चे से जो है पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आना है जाना है कोई खर्चा करना है तो अपनी मर्जी से जो है वो कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा जो है काम है, हम उनको उसका धन्यवाद करते हैं। नहीं, बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं, दिल्ली में हमने काम किया है और इस बल पे हम ये विश्वास ये उम्मीद जगा रहे हैं कि दिल्ली के लोग इस बार जो है एमपी भी जो है वो आम आदमी पार्टी के बनाएंगे। देखिए जो एमपी होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी क्या है कि पुलिस को देखना, किसी घर में चोरी हो जाए तो पुलिस एफआईआर दर्ज करे, किसी बहन बेटे का छेड़खानी हो जाए तो उस पर पुलिस एफआईआर दर्ज करे, कार्रवाई करे, घूसखोरी ना करे, ये काम जो है एमपी के अंडर में आता है। लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछ लो कि हमारी जो है जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की एमपी थी, आधे लोगों को नाम नहीं बताया होगा, आधे लोग वो होंगे जो कभी मिले नहीं होंगे, तो ऐसा एमपी नहीं चाहिए यहाँ करोड़बाग के लोगों को। उम्मीद है दिल्ली की जनता, बिल्कुल हमें उम्मीद है, देगी, बिल्कुल देगी। चार महापुरुष जो एक तोमर समाज के दिल्ली के राजा थे, अनंत नागपाल जी का, और हमारे जो जिन्होंने शहीद देकर देश को आज़ाद करवाया, देश के लिए कुर्बानी दी, उनका चित्र के माध्यम से हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने यहाँ उद्घाटन किया है। और एक क्षेत्र जो छेड़ूटी चौक है, जो अपना नाम एक फेमस है, आज और फेमस हो गया है इस चित्र लगाने के बाद। हमारे विधायक जी ने हमेशा विधानसभा के अंदर कोई ना कोई कार्य करते आए हैं, तो आज एक समाज का नाम उन्होंने रोशन किया है यहाँ पर, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से और जनता की तरफ से। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, सब जनता जानती है, पानी का हो, बिजली का हो, या महिला की गाड़ी का, बसों का किराया फ्री हो, सब फ्री किए हैं। अभी उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा जरूर होगा। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।